का मकसद है कि कैसे इसको लोगों को बताएं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और अब वैक्सीन बाजार में आ गया है, ये हमने दिखाने का प्रयास किया इसमें। और इसको बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत किया, हम पूरी रात इसको बनाने के लिए पूरी रात आज हम यहाँ पे डिस्प्ले करने का ट्राई किया और इसको लगाने के लिए हम कई दिन से अपने माइंड में सर्च करते रहे कौन सा फूल लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कैसे हम लोगों को एक संदेश दे पाएंगे कि कोरोना से कैसे हम छुटकारा हमें मिल सकता है और मिल रहा है। क्या बनाए इसमें? इसमें हमने एक सीरम बनाया है, वैक्सीन बनाया मतलब, और उसका इंजेक्शन दिखाया है और साथ में दिखाया है कि भगवान के आशीर्वाद से जो जो लोग डरते थे वो आज उनका डर खत्म हो रहा है वैक्सीन वैक्सीनेशन के थ्रू। उड़ीसा में जो फ्लावर्स प्लांट्स फ्लोरा एंड फ्लावर्स विच आर देयर, हम सबको यहाँ बहुत अच्छे से कंजर्व कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने लोग भी हैं तो वो भी इसके बारे में जाने। अभी जो लोग आते हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, फिटनेस के लिए आते हैं, सुबह और शाम सैर के लिए बहुत लोग आते हैं, बच्चे वृद्ध लोग सब आते हैं, पर हम चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ हम क्यूरेटेड इवेंट्स यहाँ पे शुरू करेंगे ताकि जब वो यहाँ पे सैर करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे उड़ीसा के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जो हमारे फूल हैं, ऑर्किड्स हैं, कैक्टस हैं, और इवन जो यहाँ पे जो जितने जानवर भी हमारे कितने सारे रहते हैं तो उनके बारे में भी उनको बताने का चाहेंगे। एवरी ईयर वी कम एंड विजिट द फ्लावर शो and we enjoy a lot by the lovely visual treat presented by all these flowers. So I'm really enjoying myself at this flower show, and I hope that this continues year after year. And I have photographs of myself as a little kid at this flower show, and I've literally grown up watching all these beautiful flowers years after year. So I think it should happen more than once a year. And all of us should visit with our families and, appreciate the beauty of flowers.